They're coming. Like, can I have your bag, please? Can I? I'll give it back in 1 minute. Madam, yeah, I'll just get it back in 5 minutes. You send my report. Ask Bhargav. I have a phone with you, no? Check. Still no upload. It's all in this pouch. No, still inside right now. No. Sure. I want that to reach tonight. Huh? Yes. सुबह को जो किया वो बैग ई मेल भी कर देंगे तो इसका ई मेल बोल दे डॉक्टर एक तो मैम बहुत बहुत बधाई आपको फिल्म में सक्सेस के लिए कौन मतलब कितनी खुशी है आपको कि नया टॉपिक है इतना इतनी मुख्तलिफ कहानी है तो किस तरीके से सबसे ज्यादा खुशी है ऐसी खुशी मैंने बहुत दिनों बाद फील की है एंड आई एम एक्चुअली फीलिंग वेरी हैप्पी आई डोंट नो व्हाई एक्चुअली मोर देन एनीथिंग एल्स मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे जो हर रिसर्च एजेंसी ने हमें ये कहा था कि पिक्चर खुलेगी नहीं और हम लोगों से मिल रहे थे और वो आई मीन ऑलवेज आई वाज टेलिंग एवरीवन कि इतने लोगों ने इतनी पेट्रनाइजिंग स्टेटमेंट्स दी हैं रिसेंटली नो इनफैक्ट देयर वर लाइक आर्टिकल्स ऑन द डे ऑफ द रिलीज की चेक फ्लिक्स डोंट क्लिक ऑन द डे ऑफ द रिलीज यू डिसाइडेड द फिल्म इज नॉट गोइंग टू क्लिक एकता जी हमेशा माने कि ये इंडियन वुमेन की विक्ट्री है इंडियन सिनेमा की विक्ट्री है अलंकृता जी आपसे भी जानना चाहेंगे या अलंकृता यू आंसर दिस आफ्टर दैट आपसे भी अलंकृता नहीं आई डेफिनेटली थिंक दैट इट इज़ अ विक्ट्री फॉर वेमेन और औरतों की आवाज़ों के लिए उनकी कहानियों के लिए डेफिनेटली एक विक्ट्री है एंड बहुत खुशी की बात है कि द फिल्म इज़ डूइंग वेल एंड सो मेनी पीपल आर गोइंग टू वॉच इट सो इट्स वेरी एक्साइटिंग मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये सबसे बड़ी बात है हमें कहा गया था कि कुछ दिनों पहले किसी ने मुझे कहा था कि ऐसी फिल्में ना अच्छी लगती है फेस्टिवल वाली फिल्में होती हैं एक तो ये फेस्टिवल वाली फिल्म का समझ में नहीं आता मुझे मतलब पिक्चरें होती हैं अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं और क्लियरली हम अपने ऑडियंस को थोड़ा डम समझते हैं जो है नहीं यू नो एंड क्लियरली लोगों को समझ में आ गई पिक्चर लोगों ने देखी तो वो जो इतना था कि ऐसी फिल्में बनेंगी नहीं क्योंकि ये फिल्म चलेगी नहीं तो ऐसी फिल्में बनेंगी नहीं वो नहीं होगा अब बहुत सारे लोग थॉट प्रोवोकिंग फिल्म बनाएंगे इस बात की बहुत खुशी है मुझे जी मैडम आपसे और आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ टेक है आपका हम सक्सेस के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं क्योंकि फिल्म के रिलीज होने से पहले ढेरों सारी कंट्रोवर्सी थी और ढेरों सारी बातें की जा रही थी तो अब क्या कहना चाहेंगे आप एक्चुअली काफ़ी फोन कॉल्स भी आए थे क्योंकि उन्होंने मेरे काफ़ी फ्रेंड्स से मुझे कॉल करके उनसे पूछा था कि योर फिल्म बेटर लिव अप टू दी एक्सपेक्टेशन एंड बेटर लिव अप टू द हाइप इतनी मतलब यू नो चर्चा हो चुकी है तुम्हारी फिल्म के बारे में इट बेटर लिव अप टू दैट एंड आई थिंक जब फिल्म रिलीज हुई उस दिन हम लोग सबसे पहले आई थिंक गेटी गए और मैंने कहा कि भाई गेटी जाकर हम लोग देखते हैं फिल्म मैं अलंकृता प्लाविता और हमारे दो हमारे साउंड डिजाइनर राहुल और रोहित हमारे कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट हम पाँच लोग गए थे और हर सीन पर तालियाँ बजी हैं लड़कियों ने हूट किया है लड़कियों ने उन सीन्स पे हूट किया जहाँ पर हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था रिएक्शन के लिए एंड देयर वर वेरी अनकंफर्टेबल लाफ्टर्स इन सीन्स जहाँ पर उनको पता ही नहीं था कि इन सीन्स पे हम रिएक्ट कैसे करें सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग हम लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग इमोशन मिला ऑडियंस का देखने के लिए आई थिंक टुवर्ड्स द एंड जब उन सबको पता चला कि फिल्म जब खत्म हो गई एंड आई थिंक ऑडियंस निकलने लगी देयर वाज लाइक अ ह्यूज ग्रुप ऑफ गर्ल्स और वो सेंटर में बैठी हुई थी and they turned back and उन लोगों ने हम लोगों को देखा and they were like oh you all are in the film and then we said हाँ हमारे director भी हमारे साथ हैं and those girls clapped for us and they said you know you guys have done it and that was such a good feeling I think all of us were crying that time you know I think it was a very emotional moment for us मुझे obviously हम सबको बहुत ही ज़्यादा overwhelming लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे specially क्या अच्छा लगा is जैसे बहुत लोग लिख रहे हैं हमारे लिख रहे हैं हमें ट्विटर पे और लेटर्स भेज रहे हैं जैसे अलंकृता ने एक्चुअली उस दिन एक लेटर शेयर किया था और सबने मतलब बहुत लोगों ने लिखा है कि इनफैक्ट औरतों ने तो लिखे हैं और मतलब इवन मेन हैव रिटन कि ये जो स्टोरीज़ है
उनसे मतलब उन्हें किसी की याद आ रही है. मतलब एक किसी ने लिखा था कि जो औरतें हैं उनमें उन्हें उनकी खुद की कजन्स दिख रही है, उनकी खुद की सिस्टर्स दिख रही है, वो खुद दिख रहे हैं उनमें. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने टाइम तक हमारे लिए एक बस एक फिल्म थी और एक आर्ट, यू नो, आर्ट फॉर्म था. लेकिन जस्ट टू नो कि किसी की लाइव्स है और लोग इतना उसे मतलब हिंदी बहुत हाँ जैसे उनसे कनेक्ट कर रहे हैं. हाँ, सो द वे दे आर कनेक्टिंग टू द कैरेक्टर्स एंड दे रियली फीलिंग दैट, दे रियली एंजॉइंग द फिल्म एंड दे लाफिंग. एंड इट्स जस्ट दैट द रिस्पॉन्स दैट वी गेटिंग दीज लेटर्स, पढ़ते पढ़ते हमें आंसू आ रहे हैं कि मतलब कितना अच्छा लग रहा है कि कितने लोग कनेक्ट कर रहे हैं इससे. जब कोई फिल्म काम करती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये मैसेज तो जाना चाहिए था सोसाइटी में, नहीं करती है तो क्या दिखाना चाह रहे हो आप. तो कितने बदलते हैं लोग अपने वर्डिट के साथ और क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों से. मैं तो ये कहना चाहूँगी कि तो कुछ तो लोग कहेंगे. इन चार कैरेक्टर्स पे भी बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें कही हैं मुझे, कुछ अच्छी कुछ बुरी. बट कहानियाँ होती हैं और अगर पाँच लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा बदलाव आए तो वो कहानी कहनी चाहिए. एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं एक कमर्शियल प्रोड्यूसर हूँ, मैं एंटरटेनिंग फिल्म्स बनाऊँगी और पैसे भी बनाऊँगी, मुझे उस बात में कोई शर्म नहीं है. बट जब मुझे कुछ अच्छा लगा वो भी बनाऊँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये फिल्म मज़ा आया. किसी लोग मेरे खुद के टीम ने कहा कि ये फिल्म कवर नहीं करेगी और आपका PNA रिकवर नहीं होगा. और कितने लोगों ने ये भी कहा कि पिक्चर की ओपनिंग डे कलेक्शन 20 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगी. और मैंने कहा तो फिर 5 और डेली सोप करके बना लें. मैंने आपको कहा ना भाई साहब, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का हमें कहना. अच्छा एकता जी, हमने देखा कि इस फिल्म के आने से पहले अलंकिता जी को लाइव भी बोला गया कि बहुत सारी बातें की गई, झूठा बोला गया. तो आप ऐसे लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे जब फिल्म आ गई है. मैं तो किसी को कुछ नहीं कहूंगी. अलंकिता के काम ने इतनी अच्छी तरह से इतनी चार कहानी का कही है. आई थिंक अगर आप इसको किसी को जवाब देने के लिए कहेंगे तो वो एक फिल्म को छोटा कर देगी. आई एक्चुअली फील बहुत ही अच्छी फिल्म है. मेरे को तो बहुत मज़ा आया. मैंने जब देखा मुझे ऐसा लगा कि आई वॉज क्लैपिंग. यहीं बैठ कर जो आप सब बैठे हो, हमने ये फिल्म देखी एंड हमको इतना मज़ा, हमने क्लैप किया. मैंने बोला कि ये वो फिल्म है जहाँ ये इन आर कंट्री ना, इनको विक्टिम बना सकते थे हम, इनको सर्वाइवर्स बनाया है बिकॉज हम सर्वाइव करते हैं ये सब. ये बात मुझे अच्छी लगी. अलंकिता जी, आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि इस फिल्म के आने से पहले आपको झूठा कहा गया ढेरों सारे, सिंस बहुत सारी प्रॉब्लम है फिल्म को सर्टिफिकेट को लेकर प्रॉब्लम है. अब ऐसे लोगों को जवाब देना चाहेंगे. हाँ, मैं बोलूंगी आप थिएटर जाइए, थिएटर जाइए, पिक्चर देखिए. मुझे एक्चुअली इट्स वेरी ओवरवेलमिंग मी, क्योंकि मैंने सिर्फ इंटरनेशनल ऑडियंसेस को देखा था ये पिक्चर देखते हुए. And I thought that, you know, like that was the most, that would be the highlight for me, that, you know, like everywhere all around the world people are watching the film. But I think I'm really moved by how the Indian audience has reacted. And I really feel that the time has come. We really, as a country, I think we're really ready for all kinds of stories and all kinds of cinema. Okay, अच्छा एकता जी, क्योंकि ये फिल्म बन गई है, सक्सेस हो गई है, लोगों को पसंद आ रही है, मुझे अच्छा लगा. मैंने किसी को फेवर नहीं किया, मुझे मजा आया. मुझे ऐसा लगा कि आई एम ऑल्सो अ गर्ल, फीमेल प्रोड्यूसर हूँ भाई, तो मेरा भी थोड़ा वट है. इस हफ्ते कई सारी 3-4 फिल्में रिलीज हो रही है, इंक्लूडिंग मुबारका. हाँ. अभी क्या इस हफ्ते भी थिएटर्स में ये फिल्म रहेगी जो आने वाला हफ्ता है? आप खुद डिस्ट्रीब्यूटर है तो क्या है मतलब आगे का? हर फिल्म चलनी चाहिए, लोगों के ड्रीम्स लगे हैं. पर आपकी फिल्म लिपस्टिक मेरी आगे फिल्म, आई थिंक ऑनेस्टली वो मैं नहीं कह सकती, बट ऑनेस्टली आई थिंक रहेगी बिकॉज इसका अप्रिसिएशन इतना ज़्यादा हुआ है कि अब रहेगी. आई एम वेरी श्योर एक्चुअली कि ये फिल्म थिएटर में रहेगी. बट एज फार एज आई थिंक आई वुड लाइक टू से दिस बिफोर एनीथिंग एल्स कि अलंकृता वुड हैव टू, इफ दिस फिल्म हैड नॉट रीच्ड इंडियन ऑडियंसेस तो बहुत बुरा होता बिकॉज ये हमारे देश की कहानी है. इंटरनेशनल ऑडियंस देख कर मजा ले रहे हैं. हमारी लड़कियों में क्या खराबी है भाई, हम क्यों नहीं देखें? अच्छा,
कोई ऐसा जिसने मतलब अप्रिशिएट तो सभी कर रहे हैं बट कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? मेरे को एक इंसिडेंट बताना है, आई थिंक आप लोगों को मैंने बताया नहीं. मेरे फादर कोई फिल्म देखने गए थे, कुछ और फिल्म लगी थी उस वक्त, तो वो थिएटर में, उनको मेरी फिल्म देखने में प्रॉब्लम होती है, उनको टशन है कि मैं देखूंगा तो मुझे ना मैं नहीं देखती, मेरा कोई काम नहीं देखते वो. तो वो नहीं गए और वो कोई और फिल्म देखने गए थे फ्राइडे. तो इसे मैंने ना वहाँ जाके देखा और इतने सारे लोग निकल रहे थे, तो ऐसे और उनके फेस पे क्या खुशी थी. और वो मुझे देखकर सोच रहे थे कि एकता के फादर शायद क्या बोलते रिस्पॉन्स देखने, ऐसे पप्पा दे वर लुकिंग एट यू बिकॉज आप जितेंद्र हो. नहीं पर उनके फेस पे क्या खुशी थी, मतलब पिक्चर तो लोगों को बहुत अच्छी लग रही है. मेरे लिए उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता. The audience as well as the movies, they're kind of divided into two bits, the art house movies and then the commercial movies. So do you think with movies like these, there are more such feminist movies coming up, and there are more such, as Ekta said, thought-provoking movies coming up. So can we in the future, in the near future, see, you know, this fine line between art house movies and commercial movies kind of diminishing? Well, I hope so, because I don't think that films should be put into boxes. And I feel independent films, even if they're really good, they often suffer because they don't have distribution support. So I think we were very, very fortunate that we actually were able to take the film out into theaters, you know, to the audience. And I'm sure actually if the audience was exposed to more independent cinema, they would be watching more of that. One doesn't know. But I, of course, definitely hope that boxing doesn't happen and all films get a fair chance. So do you think that, you know, thanks to digitization and, I mean, thanks to the entire digital revolution which is happening, more independent filmmakers will actually get the chance to actually put out their content over there for everybody to see? Are you talking about that on the digital media? Yeah, yes. I mean, that's anyway happening, so, yeah. एकता जी, आपके आने से पहले यहाँ पे सभी बातें कर रहे थे कि फिल्म ने सिर्फ 400 स्क्रीन में छक्के लगा दिया, तो आपको मतलब और नहीं लगता कि और भी स्क्रीन में फिल्म को रिलीज होना चाहिए था या फिर नहीं? हमने पूरा रिसर्च किया था. अच्छा. हमारे ऑडियंसेस ये 400 स्क्रीन में थे, बहुत सारे लोग हमको फ़ोन भी कर रहे हैं. ये 400 स्क्रीन में लगाने में बहुत टफ था हमारे लिए, बिकॉज हमको स्क्रीन नहीं मिल रहे थे टिल द लास्ट डे. पर्सनल कॉज, मैंने पहली बार अपनी लाइफ में सारे प्रोग्राम में उसको किया कि यार मेरे लिए एक और शो दे दो. एंड लकीली इनके फिल्म की इतनी चर्चा हो चुकी थी और इतना हाइप हो गया था कि एक एक शोज के बाद सुबह के बाद दोपहर के बाद शाम तक हमारे शोज बढ़ते गए. बट आई पर्सनली थिंक कि सिर्फ 400 स्क्रीन में अगर हम नहीं गाते ना, तो वो जो इफ़ेक्ट आता है ना, उन्हें अभी भी मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि हमें टिकट्स नहीं मिल रही हैं, तो वो एक एग्जाइटी क्रिएट करता है लोगों में. और जहाँ हमारी ऑडियंस है उनको ये पता है कि ये फिल्म आके देखिए, बट ज़्यादा खोलना और फिर उसके PNA पे प्रेशर डालना और फिर उसके बाद पिक्चर अगर फ्लॉप कहलाई जाती तो ऐसी फिल्में बनती ही नहीं फिर. तो स्मार्टली एक TV ऐड नहीं किया हमने, एक सिर्फ इंस्टाग्राम को यूज किया. मैंने सुना नहीं, देखा देखा आपने. आपको लगा कि फिल्म अच्छी है, लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन कुछ और इंसिडेंट जो आपने देखे हो या सुने हो वो और डल पाते हैं और बेहतर और मुझे तो इतना मजा आया, मुझे बहुत मजा आया. मैंने फिल्म दो भाग में देखी एक्चुअली, बिकॉज ये जब आई थी मेरे को पैसे लगा था कि बहुत बोरिंग आर्ट हाउस फिल्म होगी और मैंने स्लॉट आधे घंटे का ही दिया था. मेरे को डायरेक्टर बार बहुत स्वीट सी लड़की खड़ी अपना पेन ड्राइव लेकर वहाँ आए, अच्छा आप जाओ ना मैं आपको फ़ोन कर दूँगी मैं देख. No, I'll wait. I said, नहीं यू गो. फिर मैं आधे घंटे 45 मिनट में बाहर आई और बोला कि मेरा दूसरा मीटिंग है, आप कल वापस आ जाओ. तो उन्होंने कि आने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको अच्छी नहीं लगी मैं नहीं आऊँगी. ऐसे नहीं, मुझे अच्छी लगी, मुझे देखना. और सेकेंड हाफ तो मुझे बहुत मज़ा आया. जब फिल्म ख़त्म हुई मैंने बीच फिल्म पहली बार रोकी है और मेरे कुछ बच्चे यहाँ थे जो हमारे साथ काम करते हैं, हम सब ने क्लैप किया. रत्ना जी के एक सीन पे तो हमने क्लैप किया है कि जय माता दी, वो खुश रहे यार. और इसके बाद मैंने इनकी हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं प्रकाश जी, उनसे बात की. उन्होंने मुझे फ़ोन करके जो बोला था, मैंने पहला सवाल था, उन्होंने मुझे बोला ये आपके टाइप की फिल्म है.
तो मेरे को मैं जब फिल्म देखने के बाद मेरा पहला क्वेश्चन था सर मुझे फिल्म बहुत अच्छी बट ये मेरे टाइप की फिल्म मतलब जो भी मुझे अच्छी लगी आई होप यू आर थिंकिंग आई एम बुआ जी बट आई एम ग्रेट चलो थैंक यू गाइस तो इसके बाद क्या धमाका करने वाली अगर आप कुछ बताना चाहें मुझे मैंने कोई धमाका करने की कोशिश नहीं की धमाका इस लड़की ने किया है इसके इनके चार एक्टर्स ने किया है हमारी जो सुपरस्टार है हमारी फिल्म की रत्ना जी कुनकुना जी उन्होंने किया है और प्रकाश जी ने किया है मैंने तो मतलब सपोर्ट ही किया है वो तो कोई भी कर सकता है एक्चुअली काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया सब लोग वेट कर रहे थे पर पहले अनफॉर्चुनेटली रिलीज नहीं हुई थी वहाँ पे क्योंकि स्क्रीन्स नहीं मिल रहे थे लेकिन फाइनली जब हुआ गुवाहाटी में सिर्फ एक शो था वो सुबह 9:45 का था और वो भी ऑलमोस्ट लाइक काफ़ी फुल जा रहा था तो आई एम वेरी हैप्पी और बहुत मैसेजेस भी आ रहे हैं मुझे थैंक यू गाइस चलो थैंक यू थैंक यू बॉस थैंक यू थैंक यू हाय एवरीबॉडी आई एम शाहरुख खान वॉच मी ओनली ऑन facebook.com/businessofsara